हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जो लास्ट वीडियो था उसके आगे बात करेंगे, आगे सीखने की कोशिश करेंगे और आगे का ज्ञान और नॉलेज पर बात करेंगे। तो जैसा कि अगर आप में से कोई बच्चे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो उन सब से मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप को सबसे पहले वीडियो देखने का मौका मिले। ठीक है, मेरा एफर्ट यही है कि अगर आप लोग 1000 सब्सक्राइबर जो है जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी अगर करवा देते हैं तो ये लाइव क्लास लेने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो के एंड तक देखिएगा वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम लोग कहां तक पढ़े थे? इसके पहले हम लोगों ने पार्टिकल्स के बारे में पढ़ लिया था, मैटर के पार्टिकल्स के बारे में। तो हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर 1 साइंस में, यानी कि सब्जेक्ट हमारा साइंस है। चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए, हम सारा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, आपके सिलेबस में क्या आ रहा है आप उसमें से फिल्टर कर लीजिएगा। सारा चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, सारा सिलेबस पढ़ाने वाले हैं, जो भी चैप्टर है एनसीईआरटी में वो सब पढ़ाने वाले हैं। तो इसमें क्या क्या नहीं आ रहा रिलेटेड है वो लास्ट में अपडेट करेंगे, पढ़ाएंगे तो हम पूरा लास्ट में। अगर एग्जाम के टाइम में अगर रिलेटेड होगा तो हम आपको बता देंगे, पहले इन्फॉर्म कर देंगे कि रिलेटेड है, अपडेट करते रहेंगे आपको कि हाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से। तो ऑन इंक्रीजिंग हीट, जैसी आप हीट को बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स गेन एनर्जी, पार्टिकल्स को क्या मिल जाता है? एनर्जी मिलता है। जैसे कोई सॉलिड है, अगर आप हीट को बढ़ाते जाएंगे तो पार्टिकल्स को एनर्जी मिलेगा एंड स्टार्ट वाइब्रेटिंग, फिर वो वाइब्रेट करना शुरू कर देगा विद द ग्रेटर एनर्जी, और तेजी से वाइब्रेट करने लगेगा, एक दूसरे से टकराने लगेगा। अब जिसकी वजह से, क्योंकि उसमें मूवमेंट आ गया, अब मूवमेंट का मतलब समझते हैं ना आप, किनेटिक एनर्जी। अगर कोई चीज मोशन में है तो वो किनेटिक एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है। काइनेटिक भी बहुत लोग पढ़ते हैं, हमको पता है ना, बहुत बचपन से कंफ्यूज किया गया है, तो बहुत लोग काइनेटिक भी पढ़ते हैं, हम किनेटिक पढ़ते हैं। और अलग अलग एक्सेंट है दोस्तों, लैंग्वेज का कोई अंत नहीं है, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। आपको जो पढ़ना है जिस तरीके पढ़ना, बस सिमिलर होना चाहिए, कुछ गड़बड़ी की बात है। हमको पता है काइनेटिक भी होता है, किनेटिक भी होता है, तो हम जो डिक्शनरी में पढ़ते हैं वही हम बोलते हैं। ठीक है, द पार्टिकल्स ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड न्यू स्टेट इज ऑब्टेंड। अच्छा, तो क्या होता है, सपोज कीजिए कि कोई सॉलिड है, ठीक है, अब वो सॉलिड, अब बताया था सॉलिड डायरेक्ट गैस बन जाता है। इसका एग्जांपल अगरबत्ती, अगरबत्ती क्या होता है, सॉलिड होता है, उसको जलाते हैं, तो इसको जलाने से यानी कि जब उसमें हीट इंक्रीज होने लगता है तो उसके पार्टिकल्स में एनर्जी आ जाता है और वो आपस में टकराने लगते हैं, और टकराने की वजह से काइनेटिक एनर्जी यानी कि मोशन में आ जाता है। उसके जितने ही पार्टिकल्स वो सब किसमें आ जाता है, मोशन में। मोशन में आने के बाद काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होता है और बाद में जो है पार्टिकल्स ओवरकम द जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में था, जिसकी वजह से वो आपस में जुड़े हुए थे, वो खत्म होने लगता है और उसके बाद वो नए स्टेट में बदल जाता है, इसीलिए ये गैस बन जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड। तो कहते हैं वो टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड मैटर जो है वो मेल्ट कर जाता है, यानी पिघलता है और बाद में जाकर क्या बनाता है, लिक्विड बनाता है। एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट। एटमोस्फेरिक मतलब एटमोस्फेयर का जो प्रेशर है, उस प्रेशर में अगर कोई सॉलिड पिघल जाता है और लिक्विड बनता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। जैसे कि लोहा, तो लोहा है, मान के चलिए वातावरण का टेम्परेचर अगर 37 डिग्री है, सपोज कीजिए 37 डिग्री सेल्सियस अगर हमारे आसपास का जो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, आयरन को हम क्या भट्टी में डाल दिए, आयरन को, ठीक है, और भट्टी में जाते गया, सपोज कीजिए कि भट्टी का जो ना टेम्परेचर वो 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया। 1000 डिग्री सेल्सियस होने के बाद वो आयरन पिघलने लगा, मतलब स्टार्ट कर दिया पिघलना। तो उसी 1000 डिग्री जिस डिग्री सेल्सियस पर वो पिघलना शुरू कर देगा, उसी को हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। पिघलना शुरू कर देगा, पिघलना, ठीक है। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये सॉलिड की बात हो रही थी, तो सॉलिड पिघलने लगता है, अब लिक्विड बॉयल होता है। तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाता है, जैसे एक वाटर है H2O,
H2O, तो H2O को जब आप रखते हैं तो क्या होता है कि वो पिघलना शुरू कर देता है, सॉरी बॉयल होना शुरू हो जाता है। कितने डिग्री सेल्सियस पर? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर वो बॉयल होने लगता है। तो इसी को हम लोग बोलेंगे बॉयलिंग पॉइंट। आपको समझ में आ गया होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मेरा फेवरेट है ये। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट दिस मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ द सॉलिड। समझिए, लेटेंट हीट मतलब गुप्त ऊष्मा भी कहते हैं इसको हिंदी में। ये क्या होता है, जैसे सपोज कीजिए कि आपने 1 लीटर पानी को बॉयल होने के लिए रखा, 1 मिनट तक उसमें कोई मूवमेंट नहीं आया, मतलब वो पानी बॉयल होना स्टार्ट नहीं किया, लेकिन आप उसको कंटिन्यूअसली 100 डिग्री सेल्सियस तक दे रहे हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन वो बॉयल नहीं हुआ। तो 1 मिनट तक आखिर हुआ क्या? तो दोस्तों ये होता क्या है कि जब 1 मिनट तक उसको जब आप फ्लेम कंटिन्यू दिए तो उसमें हीट इंक्रीज कर रहा था, और जब कंप्लीटली वो उस डिग्री टेम्परेचर पर पहुंच जाता है उसका हीट, जहां से उसको बॉयल होना होता है, उसके पहले वो हीट वही तो काम कर रहा है मेन। जैसे एक लकड़ी को जलाने के लिए हम 2-3 बार माचिस की तीली लगाते हैं, उस माचिस से नहीं जलता है, लास्ट में जब 5वां माचिस की तीली मान के चलिए जलाते हैं तो वो जलने लगता है, तो आपको लगेगा कि 5वें ने जलाया, नहीं, 4 ने उसको उस टेम्परेचर तक पहुंचाने का काम किया है। तो 4 ने जो हीट दिया है ना उस लकड़ी को जलाने के लिए, उसी लेटेंट हीट कहेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ अ सॉलिड इनटू अ मेल्टिंग इनटू लिक्विड, कहते 1 kg सॉलिड को लिक्विड में एड एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, पिघलने की अवस्था तक ले जाने को ही लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। लिक्विड अवस्था में जब ले जाएंगे तो उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे। फ्यूजन मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई एक स्टेट में कोई पदार्थ है और वो किसी दूसरे स्टेट में चला जाएगा, अब उस स्टेट में जाकर वो किसी आवागमन करना शुरू कर दिया, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन, फ्यूज कर जाना, आपस में मिल जाना। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसमें क्या है, फ्यूजन आपने पढ़ा था कि अब क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ना हम लिक्विड को वेपर में बदल रहे हैं एटमोस्फेरिक प्रेशर पर। एटमोस्फेरिक मतलब जो वातावरण का जो टेम्परेचर है वही, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए सॉलिड जो है ना, सॉलिड मेल्ट होता है तो मेल्टिंग पॉइंट, और लिक्विड बॉयल होता है तो बॉइलिंग पॉइंट। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा, लिक्विड बॉयल होगा तो बॉइलिंग पॉइंट, एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड, उसी को लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। मतलब जिस हीट पर कोई लिक्विड वेपराइज होना शुरू हो जाता है उसी को, या किसी लिक्विड को वेपराइज होने के लिए जितना हीट एनर्जी चाहिए उसी को हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं। बात वही है, जैसे जैसे पानी को आपने रखा, ठीक है, पानी को रखा, पानी बॉयल होना शुरू होने से पहले, ठीक है, पानी बॉयल होने, अभी ये तो बता रहे थे आपको हम कि पानी बॉयल होना होने से पहले, पानी का जो बॉइलिंग यानी कि खोलने लगता है उसके पहले जितना भी है आपने हीट यूज किया है। ऐसा तो नहीं है कि पानी को आप चढ़ाते हैं गैस स्टोव पे और तुरंत वो, मतलब चढ़ाते के साथ रखते के साथ वो बॉयल होना शुरू, नहीं, वो कुछ देर तक शांति रहता है। तो उतना देर जो हीट, जो एनर्जी दिए आपने फ्लेम के माध्यम से, गैस जला है, वो कहाँ गया, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, उसी को तो लेटेंट हीट कहते हैं, गुप्त ऊष्मा। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन का मतलब होता है वाष्पीकरण। द फेनोमेनन ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू अ वेपर स्टेट एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। तो कहते हैं किसी भी टेम्परेचर पर जो लिक्विड से वेपर बनता है, लिक्विड से वेपर बनता है बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेनन। तो इसको समझना पड़ेगा इवेपोरेट कब इवेपोरेट होगा, तो लिक्विड का गैस में बदलना, लिक्विड का गैस में बदलना ही कहलाता है इवेपोरेशन, लिक्विड टू गैस। अब ये क्या होता है, सरफेस फेनोमेनन होता है। सरफेस मतलब होता है जो वाटर है इसके ऊपर का जो चीज होगा ना वही क्या होगा, वेपर बनेगा, वही वेपर बनता है, नीचे वाला चीज नहीं बनेगा। जैसे यहाँ से फ्लेम इसको मिल रहा है लेकिन ये नीचे वाला चीज वेपर नहीं बनेगा, ऊपर सरफेस फेनोमेनन इसको इसीलिए कहा जाता है, ऊपर वाला जो है वो क्या होगा, बॉयल नहीं होकर के बल्कि वेपर बनते चला जाएगा। बॉयल तो उसके नीचे होता है, बॉयल वाला जो कंडीशन है वो नीचे में हो रहा होगा लेकिन उसके ऊपर में जो एरिया होगा वो वेपर बनते चला जाएगा, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग एवोपरेशन, जो एवोपरेशन को अफेक्ट करता है, तो एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया, अच्छा,
तो अब आप क्या करिए, एक ग्लास ले लीजिए, ठीक है, एक ग्लास में पता नहीं कैसा ग्लास बन रहा है, आप मान लीजिए ये ग्लास है, इसमें आप पानी रखिए या बाल्टी रख लीजिए, और एक थाली ले लीजिए ऐसा, इसमें पानी रखिए और धूप में छोड़ दीजिए। किसमें का पानी जो है, इस बर्तन का पानी सबसे पहले उड़ेगा, तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, क्योंकि सरफेस ज्यादा होने की वजह से सन का जो हीट है वो सभी जगह पर पड़ेगा, और जिसकी वजह से वो मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा सन के हीट का, और ये जल्दी से पानी एवोपरेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा ना कि ऊपर वाला एरिया तो एवोपरेट हो जाएगा, लेकिन नीचे वाला एरिया को होने में समय लगेगा, इसीलिए ये वाले में ज्यादा समय लगेगा। तो इंक्रीज एवोपरेशन, अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो एवोपरेट बहुत तेजी से होने लगेगा। तो इसी वजह से हमारे देश के एक बहुत ही विख्यात वैज्ञानिक कहिए उनको, या विद्वान कहिए, वो लद्दाख के हैं। लद्दाख में उन्होंने आइस का स्तूपा बनाया है, मतलब उनका कहने का मतलब है कि आप अगर ऐसे करके बर्फ को रखेंगे तो सन के हीट से जल्दी पिघलेगा, लेकिन स्तूपा बनेगा ऐसे तो सन का हीट इतना ही दूर में होगा और वो बढ़ जाएगा, ऐसे करके बढ़ जाएगा, तो ये वाला जो एरिया ना बर्फ वो नहीं पिघलेगा। तो चलिए, तो अच्छा कॉन्सेप्ट है, एन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ, अच्छा दूसरा लॉजिक क्या है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो एवोपरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने से एवोपरेशन भी तेजी से होता है। डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब होता है हवा में पानी का होना, हवा में पानी का होना, हवा में पानी होगा तो एवोपरेट जल्दी नहीं होगा, लेकिन हवा में पानी खत्म हो गया यानी कि ह्यूमिडिटी कमने लगा है, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन, तो हवा गर्म होने लगेगा और उसके वजह से कोई भी जैसे एवोपरेशन तेजी से होने लगेगा। एंड इंक्रीज इन विंड स्पीड, अगर हवा का स्पीड बढ़ जाएगा तो एवोपरेशन का रेट भी बहुत बढ़ जाएगा। एवोपरेशन कॉजेज अ कूलिंग इफेक्ट, एवोपरेशन जो है कूलिंग इफेक्ट भी करवाता है, कूलिंग इफेक्ट होता है। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ लेंथ मीटर, उसका सिंबल दिया हुआ है, ये कुछ मास का किलोग्राम केजी, जैसे कल बताए थे मास मतलब वजन होता है, टाइम सेकंड एस, ये जो एसआई यूनिट है इसका, और इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है, और थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन में मेजर, और वर्क का जो एसआई यूनिट होता है दोस्तों वो जूल होता है, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का केल्विन, अमाउंट ऑफ मैटर मोल मतलब मोल में काउंट करेंगे, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम लोग कैंडेला यानी कि सीडी में काउंट करते हैं। इस तरीके से नोट्स के अकॉर्डिंग और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर खत्म हो गया है, कल हम लोग 9th का मैथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मैथ बताएंगे आपको, तब तक के लिए आप सबसे अलविदा, मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।